गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ दो हार की खुशी। इस कहानी के लेखक हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखी कहानी हार की खुशी में एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान भरोसे छोड़कर असफल रहता है। उसका प्रिय मित्र मंदिर के पुजारी की मदद से रवि को प्रेरित करता है कि भगवान उसकी मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। घड़ी ने 2 बजे तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा, वह गहरी नींद में निश्चित सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। कितनी चिंतित थी वे। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा, जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वे रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं। मैं खुद भूखी रह लूंगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में तेरी मेरी खुशी है। उसकी आंखें भर आईं। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक पहुंचाने गया था, पीछे पीछे मैं भी गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है। खेल कर आता है तो गप्पे लगाता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। एक काम जरूर नियम से करता है, वह सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता है। पिछली बार जब हम छमाही परीक्षा का फल निकला तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जब जब उसे सावधान कर देता हूँ पर वह मेरी सुनता कब है। उस रात में रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी, मन बहुत परेशान था। उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है। रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी, मैं उदास था। रवि ने दो एक बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के ही बारे में सोचता रहा। एक वर्ष पूरा होने को है आ रहा है किंतु रवि ने अभी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाया। क्लास वर्क भी नहीं किया। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, अब कोई उसे टोकता भी नहीं। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई। वह क्लास में भी उधम मचाता लेकिन दूसरे लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगे। वे अपने उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि वह ना पढ़ेगा और ना पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते। मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास आकर ही बैठ गया, बोला, किशन तुम मुझसे नाराज है, सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझसे नाराज हूँ, जानते हो कल रात से मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सो नहीं सका। यह सुनते ही वह ठहका लगाकर हंस पड़ा। यार यह बात सवेरे ही बता देता तो मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी बताओ मुझसे क्यों नाराज़ हो। मैंने सीधे सीधे ही कह दी,
मैंने सीधे सीधे ही बात कह दी। मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूँ तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती हैं मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है और तब लगता है कि मैं एक माँ के साथ एक बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे अपराधी तुम हो जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उनके सामने उनके सपने को जानबूझकर मिटा रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है तो साफ साफ उनसे क्यों नहीं कह देते? रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो, मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना जरूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है वह कभी असफल नहीं होता। मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरी ज़रूर मदद करेंगे। माँ ने ही तो कहा था, बेटे शिव जी के दर्शन करके रोज जाना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उनके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, छमाही परीक्षा भी तुमने भगवान शिव के सहारे ही दी थी? कष्ट उनके आगे किताब खोलकर अपने आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। अच्छा साहब, अब यह उपदेश बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा के लिए एक मित्र के कमरे में गप्पे हाँकने के लिए बैठा था, सदा की तरह अपने कमरे की ओर लौट आया। अचानक एक विचार आया। इस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे मंदिर खुला रहता है, 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ। कौन रवि? अच्छा अच्छा, जो रोज सवेरे नियम से दर्शन करने आता है। हाँ, उसी का मैं दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी जी को सारी बातें बताई। मतलब रवि ने अपने मित्र को समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। उसके बाद वो हार कर पुजारी जी की सहायता लेने के लिए गया। उन्हें दुख भी हुआ, साथ ही उन्होंने आशा की भी बधाई कि वे रवि को सीधे रास्ते पर लाने में उसकी मदद करेंगे। जाहिर था कि रवि को समझाने बुझाने में से कोई लाभ न था, इसलिए हमने एक गुप्त योजना बनाई। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिव जी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका कि एक भारी आवाज गूंज उठी, रवि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो। अगर इस बार परीक्षा में सफल ना हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ और हर रोज अपने हर विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। और याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रवि घबरा गया। यह कैसी आवाज़ थी? क्या भगवान शिव ने उसे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। कहो बेटा रवि, कैसे हो? ठीक हूँ पुजारी जी, ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। बेटा, भगवान अपने भक्तों पर हर पल नजर रखते हैं। फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या, वे भोले शंकर हैं। प्रसन्न हो जाओ तो तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे दे, और नाराज हो जाए तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना सब बता दिया। पुजारी बोले, बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान शिव की वाणी सुनी। अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना।
उन्होंने जो कुछ कहा है चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने से में कोई गड़बड़ी की तो तुम उनकी आंखें नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ भगवान शिव के आदेश का पालन करूँगा। शाबाश, याद रखो तुम्हारा परिश्रम तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा, उसने क्लास वर्क किया, शाम को कमरे में आकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं है? नहीं यार, फिर उसने टालते हुए कहा, जरा अपनी कापियाँ दे दो, मैं बकाया काम पूरा करना चाहता हूँ। उस रात देर तक रवि काम करता रहा, बार बार कहने पर भी बड़ी मुश्किल से सोया। सवेरे मैं उठा तो मैंने देखा रवि मुझसे पहले ही उठ गया था, किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए इस अचानक परिवर्तन के प्रति सभी को आश्चर्य था और मुझे खुशी थी, अर्थात वो उसके बदले स्वरूप से बहुत खुश था कि वह मेहनत कर रहा है। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी एक महीना शेष था, उस दिन हमारा अंतिम टेस्ट था। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने की भरसक कोशिश की थी। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, यार मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से किए हैं, मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है, सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की बात माँ को लिख भेजूँ। ज़रूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए मैंने पहली बार देखा था। ज्यो ज्यो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। उसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन शाम को रवि मंदिर गया, पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि तुम्हारा दूसरा नंबर आया है ना, आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पूछा। ये ही बता रहे थे, कहते थे मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी वार्षिक परीक्षा का समय आया। इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी, हमें पिकनिक पर जाना था। वहाँ से लौटकर 30 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित होना था और उसके बाद हम अपने अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक एक निहायत लापरवाह गप्पी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आता था कि वह अचानक परिवर्तन उसमें यह परिवर्तन कैसे हुआ, किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था। इतना खुश कि जी चाहता था रवि को सारे नाटक की बात बता दूं, किंतु यह उसके हित में ठीक न था। हम पिकनिक पर गए, खूब मजा किया। कुछ समय के लिए पढ़ाई को बोझ जो उतर गया था। लौट कर आए तो परीक्षा फल के बारे में अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। एक बात तो निश्चय ही थी कि मुझे प्रथम स्थान मिलना था, इसलिए मैं निश्चिंत था। चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की आशाओं की। 30 अप्रैल सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, लेकिन रवि एकदम शांत बल्कि उदास था। बार बार यही कहता, यार अगर मैंने पूरा साल पढ़ाई की होती तो आज दुख महसूस हो रहा है वह ना होता। लेकिन किस बात का दुख रवि, मैंने पूछा। यही कि मैं असफल न हो जाऊं, रवि ने कहा। लेकिन तुम्हें तो भगवान शिव पर भरोसा था ना? फिर हाँ, किंतु वह भी मेरी मदद तभी मदद करेंगे जब मैं पढ़ूंगा, बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तब हमारे कुछ साथी भी आ गए थे, वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षा फल घोषित हुआ। रवि मेरी कक्षा में प्रथम आया था और मैं दूसरे नंबर पर था। रवि की इस सफलता पर सभी को आश्चर्य था। मेरा नंबर
पिछड़ जाने पर मेरे साथियों को अफसोस था, किंतु मुझे न आश्चर्य था न अफसोस, मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी मैं भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं, उसे तो रवि ही जान सकता है। मतलब किशन ने रवि को अपने से आगे करके अपना स्थान उसे प्राप्त कराने के लिए, प्रथम स्थान की पोजीशन दिलाने के लिए उसने अपना दूसरा स्थान, अपनी हार को खुशी खुशी स्वीकार किया। अर्थात इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, कभी उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और उनका हमेशा साथ देना चाहिए। आई होप सो क्लास आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना और समझा। थैंक यू सो मच।